उनका हवा हवाई मैनिफेस्टो देख लीजिए। इस हवा हवाई मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि दोबारा अगर आप उनको मौका देंगे तो आईटी सेक्टर में 300 अरब डॉलर का कारोबार खड़ा कर देंगे। भाइयों बहनों, अरे कुछ तो कम करो, जरा जमीन पर रह करके बोलो, झूठ ऐसा बोलो कम से कम जनता के गले उतरे। लेकिन ये कर्नाटक की जनता को ऐसा मान के बैठे हैं कि किसी प्रकार का भी झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं। उनका जीडीपी और 5 साल का इतिहास देखते हुए ये पूरी तरह असंभव बातें बता रहे हैं। उसी प्रकार से उन्होंने बायो टेक इंडस्ट्री के लिए कहा है और उसमें भी उन्होंने 5 वर्ष में 50 अरब डॉलर की बातें कही है। ये भी आंकड़ों के हिसाब से कहीं पूरे भारत का हिसाब लगाए तो भी मेल बैठने वाली बातें नहीं है। ऐसे गप मारना, क्या मैनिफेस्टो जैसी पवित्र चीज जहां जनता को वादा देते हो, वोट मांगते हो और ऐसे खेल खेलते हो?